नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। में रहते हुए चुनावों का सामना कर रही पार्टी के लिए जीत की राह कठिन होती नजर आ रही है, जिसका मुख्य कारण है पार्टी के अंदर छिड़ी बगावत। हालांकि बीजेपी पार्टी के अंदर मची हलचल से निपटने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पार्टी नेताओं की नाराजगी कम होती नहीं दिखाई दे रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 2017 चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि पार्टी ने अपनी नीति में बदलाव किए हैं, जिसके चलते ज्यादातर नेता पार्टी से नाराज हो गए हैं। दरअसल भाजपा ने 2017 में जीते 20% विधायकों का टिकट काट दिया है। इसके अलावा पार्टी के 3 विधायक खुद चुनावी मैदान से बाहर हुए हैं, जबकि 3 अन्य ने पार्टी बदल दी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव आते आते भाजपा के सदस्यों की संख्या दल बदल के चलते 55 रह गई थी। इन 55 विधायकों में से पार्टी ने 11 विधायकों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया है। इसके अलावा 2017 चुनावों के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़ कई नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में कयास है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कई नेता भी घर वापसी कर सकते हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड बीजेपी में छिड़ी बगावत पार्टी के लिए जीत की राह में अड़चन बन सकती है।